गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू। और आज का जो मेरा टर्न है फिर एक बार आपके लिए, जो हमारी ऑनलाइन स्टडी चल रही है, आज मैं फर्स्ट ईयर और इंटर के लिए ग्रामर में जो नरेशन टॉपिक लास्ट टर्न पे मैंने आपको समझाया था, उस नरेशन यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में आपको मैंने असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था, जो मैंने फर्स्ट मंथली टेस्ट के सिलेबस में दिया था। अब उसी में अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है नरेशन में, वो क्या है, चेंज इन प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन की भी एक अपना रोल होता है। जब हम डायरेक्ट नरेशन को पढ़ते हैं तो केवल यही नहीं कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ही बना पाएँ कि डायरेक्ट पढ़ लिया और इनडायरेक्ट पढ़ लिया। इसका मैंने आपको पूरा जो ब्यौरा था, जो इसका बायोडाटा था फुल, वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट मीन्स क्या होता है, इनडायरेक्ट मीन्स क्या होता है। तो अब जो आज हम टॉपिक करेंगे तो उसमें असर्टिव सेंटेंस में प्रोनाउन को स्टडी करेंगे। प्रोनाउन क्या है कि डायरेक्ट नरेशन को जब भी इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो मोस्टली दो चीज़ों की हमें नीड ज़्यादा होती है, एक तो प्रोनाउन की और एक वर्ब के सर्कुलेशन की, यानी कि हमें प्रोनाउन को चेंज करना होता है और वर्ब को चेंज करना होता है। अगर ये दोनों बातें बच्चे को आ गई, प्रोनाउन चेंज करना, वर्ब चेंज करना, तो उसका नरेशन ठीक हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसलिए आज हम फर्स्ट ईयर क्लास के लिए भी स्टडी करेंगे। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों ने डायरेक्ट नरेशन को टेंथ में ही पढ़ा है, नए बच्चे हैं सभी का स्वागत है, जो हमारे कक्षा 11 में हमारे ऑनलाइन स्टडी से जुड़ रहे हैं मंगूपुरा विद्यालय की, और हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन जो इस समय चल रहा है उसके लिए भी वो यहाँ पर स्वागत है उनका। और जल्दी जल्दी आकर अपना रजिस्ट्रेशन कक्षा 11 के लिए, जैसे हमारे यहाँ पर जो विषय हैं बायोलॉजी है, मैथ है और कॉमर्स है, इनको अपना चूज़ करके अपनी इच्छा अनुसार अपना एडमिशन क्लियर करें और वीडियो को भी देखते रहें, पढ़ते रहें और हमसे जुड़े रहें। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डायरेक्ट नरेशन में, यानी कि चेंज इन प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे व्हाट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है, तो प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम। क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो प्रोनाउंसिएशन जैसे हम बोलते हैं, यानी किसी का उच्चारण क्या है, तो प्रोनाउन का हिंदी में अर्थ हुआ सर्वनाम। और सर्वनाम क्या होते हैं, यानी साधारण सी भाषा है कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ये सभी बच्चों को याद होती है। इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है, इंग्लिश में डेफिनेशन है यानी कि द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी नाउन के प्लेस पर, नाउन के स्थान पर जो शब्द यूज किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे समझ लीजिए कि राम क्या है, यहाँ पर नाउन है। ठीक है, तो राम अपना नाम कभी नहीं लेता। जैसे राम को अगर कहना है कि मैं बाजार जा रहा हूँ, तो राम ये नहीं कहे कि राम बाजार जा रहा हूँ, वो अपने आप को प्रोनाउंस करेगा मैं से। तो ये मैं क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, किसकी जगह हुआ, राम की जगह। तो राम नाउन था, तो राम ने अपने स्थान पर वर्ड यूज़ किया मैं अर्थात आई, तो ये प्रोनाउन हो गया। ऐसे मान लो आपने आवाज़ दी फादर को अपने, तो फादर को आप फादर, पिताजी, पापा, डैड, जो भी आप कहते हैं डैडी, तो उनको आप कभी कभी हमेशा यही नहीं बोलते हो कि पापा इधर आओ। आप पापा को, पापा क्या यहाँ पे नाउन है, आप उन्हें कह देते हैं आप इधर आइए। ठीक है, तो आप यानी यू, यू क्या हो गया यहाँ पर, प्रोनाउन हो गया। इज दैट क्लियर? ऐसे ही आपने कहा किसी के लिए, मान लीजिए कोई बहन है, कोई गर्ल है, तो उनके लिए आप कहते हैं कि यानी सीता बाजार जा रही है। ठीक है, तो अब सीता से हम बात करेंगे तो सीता अपने लिए क्या यूज करेगी, मैं, यानी मैं बाजार जा रही हूँ। इज दैट क्लियर? तो उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का जो रोल है वो हमारी लाइफ में भी है, हमारी स्टडी में भी है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम पढ़ेंगे तो यानी सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन है क्या। तो संज्ञा के स्थान पर कैसे यूज किया गया, मैंने अभी आपको बताया कि हम डायरेक्ट किसी का नाम नहीं लेते हैं। ठीक है, हर समय बार बार नहीं बोलते हैं, उनको हम किसी तरह से प्रोनाउंस करते हैं अर्थात हम उनका उच्चारण करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि राम के लिए मैंने क्या कहा, ही अर्थात वह। अब ये प्रोनाउन जो होते हैं वो उनको हम काइंड्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट नरेशन में पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस करते हैं, चेंज इन प्रोनाउन। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रोनाउन क्या है। तो प्रोनाउन का मतलब होता है यानी कि सर्वनाम, जो किसी संज्ञा के स्थान पर बोला जाता है, हम डायरेक्ट उसका नाम नहीं लेते। ठीक, तो ये बात मैंने आपको भी समझाई। तो इनको हम तीन पर्सन में बांट लेंगे नरेशन में यूज करने के लिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, यानी कि प्रथम पुरुष, अर्थात ऐसे पढ़ लीजिए बच्चों, व्यावहारिक रूप से मैं आपको समझा रहा हूँ, किताब से ऐसे ना पढ़ के आप व्यावहारिक रूप में पढ़ो कि फर्स्ट पर्सन यानी खुद के लिए, अर्थात जो शब्द हम अपने लिए यूज करते हैं, खुद के लिए जो डेली बोलचाल में यूज करते हैं वो फर्स्ट पर्सन होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को क्या बोलता है, मैं अर्थात आई। तो मैंने अपने लिए बोला कि आई एम राजवीर सिंह, तो मैं अपने लिए आई यूज कर रहा हूँ,
इज दैट क्लियर, या माई सेल्फ राजवीर सिंह, तो मैं यहाँ पर माई सेल्फ यूज कर रहा हूँ, क्लियर। तो आई यानी मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, ठीक। मेरा पॉसेसिव केस में आया, यहाँ पर भी माई यानी मेरा, ये भी क्या हुआ, आपका फर्स्ट पर्सन हुआ। ऐसे मी, मी माने मुझे, ठीक है। गिव मी अ चेयर टू सिट ऑन, ये यहाँ पर भी मी क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। तो मेरे लिए जो बात आई, जो भी व्यक्ति अपने लिए सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपने लिए यूज करता है, उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अर्थात फर्स्ट पर्सन में आया आई यानी मैं, माई यानी मेरा पॉसेसिव केस में, मी यानी कि मुझे। तो आई क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट केस है यानी कि कर्ता कारक है। मी क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव केस है, कर्म कारक है, ठीक है। ऐसे सी पॉसेसिव केस है, ठीक है। तो पॉसेसिव केस में भी हम पढ़ते हैं, तो ऐसे आई के साथ एक वर्ड यूज होता है माइन। क्या यूज होता है, माइन, यानी कि माइन, एम आई एन ई। माइन का मतलब क्या होता है, मेरा। अब इनमें अंतर करेंगे, माई माने भी मेरा होता है और माइन माने भी मेरा होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए माई है यहाँ पर और माइन है। तो माई मीन्स क्या है, माई माने भी मेरा और माइन मीन्स भी मेरा। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बोथ, क्या डिफरेंस है, कि मैंने कहा कि यह मेरा विद्यालय है, क्लियर। सेंटेंस दिया यह मेरा विद्यालय, तो हम बोलेंगे दिस इज माई स्कूल, ठीक। तो यह माई आ गया, तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर, क्लियर। लेकिन अगर मैं जोर देकर किसी चीज़ के लिए कहता हूँ, किसी पर्सन के लिए, कि यह मेरा है, तो मैं इंग्लिश से बोलूँगा इट्स माइन, इज दैट क्लियर। जैसे मैंने कहा कि यह मोबाइल पड़ा हुआ है, तो किसी ने भी कहा कि किसका मोबाइल है, हूज़ मोबाइल इज़ दिस, तो आपने कहा सर ये मेरा मोबाइल है, तो आपने मोबाइल यूज़ किया, ऑब्जेक्ट लगाया। इसलिए माई जो होता है यूज हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ यूज होगा, यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई ब्रदर, दिस इज़ माई फोन, दिस इज़ माई मार्कर, इट इज़ माई पेन, दिस इज़ माई रूम। लेकिन माइन जो होता है, एम आई एन ई, वो विदाउट ऑब्जेक्ट होता है, अर्थात बिना ऑब्जेक्ट के। आप किसी भी अधिकार जता दीजिए कि इट इज़ माइन, ये मेरा है, क्लियर। जैसे बुक पढ़िए कि किसकी बुक है भाई, आपको सर बोल्डली खड़े हुए क्लास में, सर इट्स माइन, श्रीमान जी ये मेरी है। तो आज से आप इस वर्ड को यूज करें, इट्स माइन, ठीक। तो ऐसे करके हमने माइन का, ये तो फर्स्ट पर्सन में आ गया। ऐसे ही प्लूरल में अगर हम देखते हैं वी आता है, वी माने क्या होता है, हम। तो मान लो मैं और गोपी भैया जा रहे हैं, हम दो लोग हैं कहीं पर, तो मैं और गोपाल अगर कहीं, तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, मैं तो बोलूंगा नहीं कि मैं जा रहा हूं, क्या बोलेंगे, हम आ रहे हैं सर अभी खड़े हुए हैं, हम वहां पर थे, आप भी मुझसे बताते हो सर हम दोनों वहां गए थे। तो दो व्यक्ति जब हो जाते हैं, यानी कि मोर देन वन, मोर देन वन का मतलब एक से ज़्यादा, टू हो सकते हैं, थ्री हो सकते हैं, फोर फाइव सिक्स सेवन एट, जितने भी होते हैं वो वी में आते हैं, अर्थात हम। तो फर्स्ट पर्सन हो गए, हम दो लोग हैं एक साथ में। अगर हमारा पॉसेसिव केस आ गया, अस, अस मीन्स हमें, ठीक है। तो यानी आप जब दो लोग हैं, तो मैंने कहा हमें बताइए सर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अस क्या हो गया यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन हो गया। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन प्रथम पुरुष के हुए, यानी आई, मैं, माई पॉसेसिव केस, माइन पॉसेसिव केस, मी मुझे ऑब्जेक्ट हुआ। ऐसे वी प्लूरल में, अवर पॉसेसिव केस यानी वी के साथ, और अस हमें। अब आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है, जो हमारे सामने होता है, जिससे हम टॉक करते हैं, आमने सामने, फेस टू फेस जिस व्यक्ति से हम बात करते हैं, दैट इज सेकंड पर्सन। आपके सामने कोई खड़ा हो वो सेकंड पर्सन है, फर्स्ट में हूँ, सेकंड वो है, ठीक है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आप मेरे लिए कौन हो गए, सेकंड पर्सन हो गए। मैं आपके लिए कौन हुआ, मैं अपने लिए फर्स्ट पर्सन हूँ, बट आपके लिए मैं सेकंड पर्सन हूँ, अर्थात द्वितीय पुरुष, इज दैट क्लियर। तो फर्स्ट पर्सन यानी सेकंड पर्सन, तो सेकंड का मतलब हुआ द्वितीय। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे यू, यू माने आप, तुम, ठीक है, तू, योर माने आपका, तुम्हारा, ठीक है। ऐसे यू माने तुम्हें, तो यू जो होता है वो दो जगह यूज होता है, यू एज ए सब्जेक्ट भी यूज हो रहा है, तुम मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज भी कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट पहले आता है यू, तो उसको हम सब्जेक्ट का रूप देते हैं, जैसे यू आर स्टडिंग योर बुक, तो यहाँ पे यू क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और आई एम टीचिंग यू, यू अब यहाँ पे लास्ट में आया, तो दिस इज ऑब्जेक्ट। ये बात समझ में आ गई, बहुत कन्फ्यूजन होता है कि यू और यू सब्जेक्ट के रूप में कहाँ आते हैं। तो पहले नंबर पर आएगा तो सब्जेक्ट होता है, एट लास्ट या सेकेंड या थर्ड नंबर पर आता है तो वो कहलाता है ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो सेकंड पर्सन समझ में आ गया, यानी मैं और तुम, मैं और तुम, तो मैं फर्स्ट, तुम सेकंड पर्सन। आप समझ सकते हो, आपके सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, क्लासमेट, कोई टीचर खड़े हो, तो आप कह सकते हो मैं तो क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन, तुम क्या हुए, सेकंड पर्सन। ऐसे आप समझ जाओगे, अर्थात सामने वाले को जब वर्ड यूज करते हैं वो होते हैं सेकंड पर्सन। अब हमारा आता है थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड का मतलब होता है तृतीय पुरुष, अर्थात जो हमारे बीच में नहीं होता, यानी मैं हूँ यहाँ पर,
ठीक है, आप हैं तो मैं और आप तो फर्स्ट सेकंड हो गए, लेकिन थर्ड पर्सन कौन हुआ जो हम दोनों के बीच में नहीं है, तीसरा व्यक्ति। कहते हैं ना कि तीसरा व्यक्ति टांग अड़ाता आके, यानी थर्ड पर्सन जो होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करता है दो लोगों के बीच में। जो जब भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो हमेशा थर्ड पर्सन की वजह से आती है, वही थर्ड पर्सन फर्स्ट और सेकेंड पर्सन दोनों को गुमराह करता है, मिसगाइड करता है। इज दैट क्लियर? ये मैंने थोड़ा व्यक्तिगत और व्यवहारिक बात आपको समझाई कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के बीच में जो आता है वो कहलाता है थर्ड पर्सन, अर्थात अब वो हमारे बीच यहाँ नहीं है तो उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे मैंने कहा, यानी कि आपने कहा कि पिताजी कहाँ हैं, तो आप क्या कहोगे उनको? वह ऑफिस में है, ही इज़ इन ऑफिस। तो पिताजी आपके साथ नहीं थे इस समय, ऑफिस में है, तो इसलिए आपने उनको ही कह दिया। ठीक है, मदर कहाँ है? सी इज़ इन द किचन, सी बोल दिया आपने। प्रिंसिपल सर कहाँ है? ही इज़ इन ऑफिस, ऑफिस में है। तो ही क्या आ गया यहाँ पर? यानी थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन वो होते हैं जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन बात करते हो, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करें तो वो कहलाता है थर्ड पर्सन। ठीक है, तो अब उसको हम व्यवहारिक रूप से हटके स्टडी के रूप में देख लेते हैं। तो ही यहाँ पर थर्ड पर्सन, ऐसे पढ़ लो सर, थर्ड पर्सन होते हैं ही, सी स्त्री के लिए आता है, सी माने वह, इट किसी वस्तु के लिए, और दे प्लूरल दोनों के लिए आता है। दोनों से मतलब ये नहीं कि एक साथ, दोनों के लिए, अर्थात जैसे प्लूरल में यूज करते हैं, जैसे बच्चे तो बच्चों के लिए क्या आएगा? दे। लड़कियाँ दे, वाइज गर्ल्स दे, ठीक है, फ्रेंड्स दे, यानी प्लूरल जितने होते हैं उनके लिए, हम कि वे वहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक, मैंने कहा लड़के क्या कर रहे हैं भाई, व्हाट आर द बॉयज डूइंग, तो आप मुझसे आगे क्या कहते हो? सर वे पढ़ाई कर रहे हैं। तो वे आपने किसको बोला? लड़कों को। इज दैट क्लियर? तो थर्ड पर्सन कौन हो गया? दे हो गया। अब ऐसे ही के साथ पॉसेसिव केस कहता है हिज, हिज यू नो उसका। ठीक है, जैसे राम का भाई कहा है, ठीक है, तो हिज ब्रदर इज इन द रूम, तो आपने हिज बोल दिया उसका भाई। हिम उसे, मैं उसे बुलाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम, हिम मीन्स हो गया। ठीक है, ऐसी सी के साथ हर, हर का आप सब जानते हो, हर भी दो जगह यूज हो रहा है, हर यहाँ पर एक ही है। तो एक हर होता है पॉसेसिव केस और एक हर होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो हर अगर मान लीजिए आता है ऐसे कि आई कॉल हर, तो दिस इज ऑब्जेक्ट। अगर हम कहते हैं हर फ्रेंड इज गोइंग ऑन, तो यहाँ पर हर क्या हुआ? बोलो पॉसेसिव केस हो गया। क्लियर? यानी सीधा इस तरह पढ़ लेगा, जिन बच्चों के अंदर बुद्धि होगी, जो तेज बच्चे होते हैं, वो समझ रहे होंगे कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ किसी पॉसेसिव केस को रखते हैं, जैसे माई, ठीक है, योर, आवर, ठीक, हर और हिज और देयर, तो ये पॉसेसिव केस कहलाते हैं। जैसे उनका भाई, देयर ब्रदर, उसकी बहन, हर सिस्टर, उसका फ्रेंड, हिज फ्रेंड, ठीक है, मेरा भाई, माई ब्रदर, ठीक, ऐसे मेरे पिताजी, माई फादर। तो यानी जितने ही वर्ड आप इसको इस तरह पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन हुए ये यहाँ पर, सेकंड पर्सन ये रहे, थर्ड पर्सन ये रहे। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट मैं हो गया, सेकंड आप हो गए, थर्ड वो हो गया जो हमारे पास इस समय नहीं है। ठीक है, मैं, तुम और वे, अर्थात आई, यू एंड ही। तो ही को कभी शामिल नहीं करना और सी को भी कभी अपने बीच में शामिल नहीं करना, तभी लाइफ केयरफुली चलती है। अब इसको छोटे से स्टडी से समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3, अर्थात 123 बटे सन, यानी 1 to 123 अपॉन सन। यानी कि अब इसको मैं किस तरह समझा रहा हूँ, 103 बटा सन। जैसे मैंने यहाँ इसको लिख दिया, देखिए 123 हो गया, 123 में हमने लिख दिया SON शॉर्टली। आप कहीं जाते हैं एग्जाम देने तो आप याद कर लो कि राजवीर जी ने हमें बताया था 123 बटा सन। तो ये क्या होता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन जो चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच में, फर्स्ट वन का मतलब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन से है, अर्थात ये वाले, और एस से मतलब है सब्जेक्ट, यानी फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, और सेकेंड पर्सन यानी टू का मतलब है सेकेंड पर्सन, जैसे यू, योर, यू, ये चेंज होते हैं किसके अनुसार? ओ से मतलब क्या है, यानी कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, और थर्ड पर्सन मतलब ही, सीट, दे, ये एन, एन का मतलब होता है नो चेंज, इसका मतलब होता है नो चेंज, नो चेंज का मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता। अब मैं इनको बता रहा हूँ, 1, 2, 3 अपॉन सन, इसका मतलब हुआ वन से मतलब फर्स्ट पर्सन चेंज होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, और सेकंड पर्सन चेंज होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि किसके? ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन चेंज को एन का मतलब नो चेंज। अब इनको आप अपनी डायरी में इस तरह लिखें, मैं अभी रूल बोल रहा हूँ, वैसे PDF में मैं भेजूंगा, फिर भी रूल एक बार मैं आपको फॉलो करा रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश में। पहला रूल क्या है, यानी रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं. इज दैट क्लियर? इंग्लिश में समझ लीजिए, द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इन फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. इज दैट क्लियर? अब दूसरा आता है, सेकेंड पर्सन के रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन चेंज होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार. इंग्लिश में समझ लीजिए, द प्रोनाउन ऑफ सेकेंड पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. इज दैट क्लियर? थर्ड पर्सन मैंने आपको बताया, थर्ड पर्सन इज नो चेंज, अर्थात थर्ड पर्सन का हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, वो एज इट वैसे के वैसे रहते हैं. लेकिन हम इसको इस तरह पढ़ सकते हैं कि कब कब नहीं बदलते प्रोनाउन, जब सेम होते हैं, ठीक है, और जब थर्ड पर्सन होते हैं तो कभी उनका चेंज नहीं होता. तो मैं एक एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ पर फॉलो करके बता रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करेंगे. तो 123 बटा सन का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है. तो जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है, आप देख सकते हैं, देखिए, राम सेड टू मी. अगर आपने समझ लिया कि पर्सन कैसे चेंज होंगे तो आपका तीन नंबर का नरेशन गलत नहीं होगा. राम सेड टू मी, आई सेल हेल्प यू. यहाँ पे ये मैंने लिख दिया, आई सेल हेल्प यू. क्लियर? अब आप देख सकते हैं, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस इज रिपोर्टेड स्पीच. क्लियर? ये कॉमा है और ये इन्वर्टेड कॉमा. तो अब यहाँ पर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन देखेंगे, एक तो ये रहा आई और एक रहा यू, ठीक है. आई इज फर्स्ट पर्सन एंड यू इज सेकेंड पर्सन. तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट का. मैंने आपको बताया था ना कि जब लास्ट में यू आता है तो दैट इज ऑब्जेक्ट. क्लियर? अब देखो यहाँ पर, तो अभी मैंने क्या रूल बताया था, और ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट राम, ठीक, और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी. तो अब आप चेंज करेंगे, तो देखो, राम ने मुझसे कहा मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक. तो राम ने ये बात मुझसे कही है, राम ने मुझसे कहा मैं तुम्हारी मदद करूँगा, आई शैल हेल्प यू. अब इस बात को मुझे इनडायरेक्ट में कहना है आपसे, कैसे बताओगे? मान लो ये बात राम ने कही है मुझसे, तो अब इस बात को मैं कैसे बताऊं आपसे आकर के क्लास में कि राम ने मुझसे कहा. अगर मैं ऐसे कह दूं कि राम ने मुझसे कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो मैं कर रहा हूं तुम्हारी मदद? मैं नहीं कर रहा, राम ने कहा है मुझसे, तो मेरी मदद कौन कर रहा है? राम कर रहा है. तो मुझे बदल के बोलना पड़ेगा. तो पहले में फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग आप चेंज कीजिए, राम सेट हुआ क्या हो जाएगा, टोल्ड. राम टोल्ड मी. क्लियर? ये पहले पढ़ चुके थे हम. इनको हटाएंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का, तो कंजंक्शन दैट मैंने यहाँ यूज किया, ठीक है, असर्टिव में दैट यूज करते हैं कंजंक्शन. अब आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन. तो आपको मैंने बताया कि आई चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम. तो राम क्या है, पुरुष है, थर्ड पर्सन है. इधर क्लियर? तो राम के लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, ही. आप सबको पता है, बताया गया कि हम पुरुष के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है. तो अब मैं यहाँ पर आई को किस में चेंज कर दूंगा, ही में. आप समझ रहे होंगे कि सर ने यहाँ पे आई का ही क्यों कर दिया, भाई राम के लिए तो आया है आई, तो हम अब आई को किस में चेंज करेंगे, राम में तो करेंगे नहीं दोबारा, दैट इज नॉट रूल. तो रूल क्या है हमारा, कि हम फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, ठीक है. तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर, ही आ गया. अब जब ही आया तो सेल भी बदल जाएगा, सेल किस में बदलेगा, बिल में. और जब बिल में बदलेगा तो इनडायरेक्ट डायरेक्शन में जाके बिल का क्या हो जाता है, बुड हो जाता है, ठीक है. ये हो गया, पहले रूल में मैंने आपको पढ़ाया था कि बिल का बुड कर देते हैं. अब हेल्प का हेल्प ही रहेगा, ठीक है. अब आता है हमारे पास यू, यू सेकंड पर्सन है, ये चेंज होगा किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार. ऑब्जेक्ट क्या हमारा, मी. अब मी का ऑब्जेक्ट आप देख लो, ये रहा मी, ठीक है. तो हम जब यू को चेंज करेंगे मी के अनुसार तो क्या आ जाएगा, मी आ जाएगा. अब क्या सेंटेंस हो गया, राम टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी. अब आप देखिए, आई को राम के अनुसार मैंने चेंज किया ही में, ठीक है. सेल को मैंने ही के अनुसार चेंज किया बिल में, और फिर बिल को नियमानुसार चेंज किया बुड में, अर्थात बिल का बुड हो जाता है नरेशन में आकर. हेल्प हेल्प रहा, यू सेकंड पर्सन चेंज हुआ मी के अनुसार. अब ये बात हो गई, राम ने मुझे बताया कि वह मेरी मदद करेगा. अब इनडायरेक्ट हो गया, राम की तो बात थी, ये बात किसने कही थी, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, राम ने. तो मैंने राम की बात को आपके सामने रखा कि राम ने मुझे बताया कि वह मेरी मदद करेगा. क्लियर? अब बदलता कब नहीं, अगर मान लो यहाँ पे आई है और यहाँ पे भी आई होता तो सेम हो जाते दोनों, आई को आई में बदलेंगे तो आई आएगा, ही होता दोनों तब ही रहता, सी होता तो सी रहता,
यू होता तो यू रहता, बदलते कब हैं जब दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे एक रूल और एक एग्जाम्पल और मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि देखिए, या सीता सेड टू देम, सीता ने उनसे कहा, ठीक है, यू क्या था, यू आर लर्निंग, ठीक है, यू आर लर्निंग योर लेसन, यानी तुम अपना पाठ याद कर रहे हो, क्लियर। अब देखो यहाँ पर सीता सेड टू देम, तो सीता सब्जेक्ट है, देम ऑब्जेक्ट है, फिर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, यू, और पॉसिसिव केस यहाँ पर आ गया योर। तो सीता सेड टू देम, अब हम बदलेंगे पुराने नियमानुसार, सीता टोल्ड, देखिए वन मिनट, सीता टोल्ड देम, सेड टू का तो टोल्ड हो जाता है, अब कंजंक्शन क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, दैट, ठीक है, दैट लग गया। अब देखो बच्चों यू आ गया यहाँ पर, तो यू यहाँ पे कौन सा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है यू, यहाँ पे जो यू था फर्स्ट एग्जांपल में वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, तो इसलिए मैंने बदला। अब यू को यानी सेकंड पर्सन जो बदलता है वो बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, देम है। अब हम देम का सब्जेक्ट ढूंढेंगे क्योंकि यू सब्जेक्ट है, तो हमने देम का सब्जेक्ट देखना है बच्चों, ये रहा देखो देम, मैंने आपको पहले बनाया था, तो देम का सब्जेक्ट क्या होगा, दे होगा, अर्थात यहाँ पे मैंने यू को देम के अनुसार चेंज किया दे में, अर्थात जब भी यहाँ यू आता है तो उस यू को हम यहाँ के अनुसार चेंज करते हैं, तो दे हो गया, आर का क्या हो जाता है, वर, ठीक है, वर, लर्निंग, एल ई ए आर एन आई एन जी, लर्निंग, योर को बदल दीजिए देयर, टी एच ई आई आर, देयर लेसन, ठीक है। तो ये कोई पुराना नया रूल नहीं है, इसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, पर्सन चेंज करना, तो सीता टोल्ड देम दैट दे वर लर्निंग देयर लेसन, क्लियर हो गया। अब मान लो थर्ड पर्सन आता है, तो थर्ड पर्सन में हम कोई चेंज नहीं करते हैं, तो यानी फर्स्ट, अगर सपोज करो सेकंड पर्सन जो होता है वो यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, अगर मान लो कहीं ऑब्जेक्ट ना हो किसी भी सेंटेंस में, तो उस यू को हम अपने अनुसार ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, मान लीजिए मैंने मी मान लिया तो यू का आई हो जाएगा, हिम मान लिया तो ही हो जाएगा, हर मान लेंगे तो सी हो जाएगा, देम मान लेंगे तो दे हो जाएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आता इन केस तो आप यू का यू भी रहने दे सकते हो, इज दैट क्लियर, जब कोई ऑब्जेक्ट ना हो, समझ में आ गया। अब हम आते हैं थर्ड पर्सन, अगर मान लो कोई सेंटेंस थर्ड पर्सन में आता, ये आपके लिए एक लास्ट एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यानी ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू, ठीक है, सी हैज डन, ठीक है, सी हैज डन हर वर्क, हर वर्क। अब यहाँ देखो फुल स्टॉप कॉमा क्लोज, यू कैन सी, ये ही थर्ड पर्सन, हर थर्ड पर्सन, सी थर्ड पर्सन, फिर हर थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन जितने भी आए यहाँ पे थर्ड ही रहे, तो जब थर्ड पर्सन आता, तो मैंने आपको बताया ना 123 बटा सन, तो सन का मतलब क्या है, एन मतलब नो चेंज, और थ्री का मतलब थर्ड पर्सन, अर्थात थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता, दो बार परिवर्तन नहीं होता, एक कब, जब दोनों सेम प्रोनाउन हो, आई आई तो चेंज नहीं होगा, यू यू तब चेंज नहीं होगा, सी सी तब चेंज नहीं होगा, ही तब चेंज नहीं होगा, और कब चेंज नहीं होता, जब थर्ड पर्सन आता है तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करते, देयर विल बी नो चेंज इन थर्ड पर्सन, इज दैट क्लियर। तो ये बिल्कुल ईजी हो गया, अगर मान लो यहाँ पर सेट टू ना आता तो केवल दैट से हम जोड़ देते, ठीक है, तो ये आसान सेंटेंस भी कभी कभी हमें कन्फ्यूज कर देता, तो क्या होगा सेट टू का, टोल्ड हो जाएगा, ये हो गया ही टोल्ड हर कंजंक्शन दैट, ठीक। अब सी का हमने देखो, सी आया है सब्जेक्ट के रूप में, बट देर इज नो चेंज, तो सी का मैंने सी रहने दिया, लेकिन वर्ब जरूर बदलेगी, हैज क्या है यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, और ये क्या है, पास्ट टेंस है, सेड, तो इसलिए हम हैज को जब बदलेंगे तो किसे बदल देंगे बोलो, यानी हैज को हम बदलेंगे किसके अनुसार, सेड के अनुसार, क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, यानी सेड के सेकेंड पर्सन क्या होगा, हैज की सेकेंड फॉर्म होगा यहाँ पे हैड, यानी वर्ब जो बदलती है रिपोर्टेड स्पीच में वो बदलती है रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है इसलिए यहाँ पर हैड हो गया। अब आगे नो चेंज, डन का डन रहने दीजिए, ठीक है, और हर का हर, और वर्क का वर्क, ठीक है, प्लीज स्टॉप, इज दैट क्लियर। तो पर्सनल प्रोनाउन में यानी हमने पुरुषवाचक व्यक्तिवाचक सर्वनाम को पढ़ा, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, थर्ड सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब,
एंड थर्ड पर्सन इज नो चेंज। तो मैंने इतना अच्छा आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया, आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसके अलावा जैसे हम नरेशन को करते हैं, कहीं कहीं भी सत्य बात आती है तो उसमें हम कोई चेंज नहीं करते, फर्स्ट वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था। ऐसे अगली वीडियो जब हम पढ़ेंगे तो अब हम डायरेक्ट नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्टडी करेंगे, बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये दोनों रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यू हैव टू फॉलो दीज बोथ रूल्स, यानी कि द चेंज इन वर्ब, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब सैड और सैड टू के अनुसार, और चेंज इन प्रोनाउन, ठीक है। ये आगे ऐसे ही चलते रहेंगे और बाकी नए नए परिवर्तन, हमारे गुरुजी हमसे कहते थे कि डायरेक्ट नरेशन में पुराने नियम वैसे ही चलते रहते हैं और नए नए नियम आगे को आते रहते हैं, तो इसलिए नए नियम को फॉलो करते रहे, अपनाते रहे, आगे देखते रहें और पिछले जो दो रूल हमने पढ़ लिए उनको फॉलो करते रहेंगे। तो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए भी है, वो अपनी स्टडी करें, मैंने आपको अभी संदेश दिया ही था, और सेकेंड ईयर वाले ट्वेल्थ वाले बच्चे हैं उनके लिए भी, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी और मैंने आपके लिए वेलकम किया ही था। फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हमारे आ रहे हैं जो वीडियो के शुरू में, फिर भी अगर किसी ने शुरू की वीडियो ना देखी हो तो वंस अगेन आई वेलकम यू इन अवर स्कूल फॉर अ न्यू सेशन फॉर विद न्यू सिलेबस, न्यू टीचर्स, सम न्यू टीचर्स एंड सम ओल्ड टीचर्स इन अवर स्कूल। और जो जुड़ गए हैं हमारे ग्रुप से वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, और बाकी जो रह गए हैं वो आकर अपना सब्जेक्ट को चुन करके अपना विषय लें। थैंक यू।